My dear students, today we will start Fresnel's biprism and Lloyd's mirror. जैसा कि पिछले क्लास में हमने कहा था कि आज के पढ़ाई के लिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी थ्योरी बताया गया है उसका यूज करके हम लोग ये दोनों Fresnel's biprism और Lloyd's mirror को आज हम लोग पढ़ेंगे. Fresnel's biprism पहले हम स्टार्ट करते हैं. तो Fresnel's biprism क्या है कि इसका जो यूज होता है ना वह इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज को प्रोड्यूस किया जाता है और उस इंटरफेरेंस पैटर्न के द्वारा किसी भी सोर्स ऑफ लाइट का, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ का वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं Fresnel's biprism से भी और Lloyd's mirror से भी. तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के वेवलेंथ को एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करने के लिए या दोनों Fresnel's biprism और Lloyd's mirror का उपयोग किया जाता है. इसका अरेंजमेंट क्या है कि इसीलिए हम कहते हैं इट इज यूज टू प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न बाय व्हिच द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन. इसका जो अरेंजमेंट है द अरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस में हम बताए थे दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है इंटरफेरेंस में. एक होता है डिवीजन बाय एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. तो इट इज बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. बाइप्रिज्म होता क्या है, देखो बाइप्रिज्म को यहां पर हम फिगर में रिप्रेजेंट किया है ए बी सी. तो द बाइप्रिज्म कंसिस्ट ऑफ टू प्रिज्म्स ऑफ वेरी स्मॉल रिफ्रैक्टिंग एंगल्स जॉइंट बेस टू बेस. एक प्रिज्म हो गया यहां से लेकर यहां तक ए बी और इसका मिडिल पॉइंट बना दो और दूसरा हो गया ए सी मिडिल पॉइंट पर. दोनों को बेस टू बेस ज्वाइन किया गया है. एक्चुअली तो होता क्या है कि इट इज अ सिंगल प्रिज्म विथ एन ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ 179 डिग्री. ये जो एंगल देख रहे हो ना अबाउट 179 डिग्री. 179 डिग्री मतलब क्या, 180 डिग्री के करीब, माने प्लेन जैसा. चित्र में यहां पर बहुत नुकीला दिखाया गया है. क्या 179 डिग्री इतना होगा, नहीं. 179 डिग्री को हम व्हाइट बोर्ड में कैसे रिप्रेजेंट करते, नहीं हो सकता है. तो खींचा तो गया है ऐसे लेकिन दिमाग में सोचो यह ऑलमोस्ट प्लेन नजर आएगा लेकिन वो प्लेन भी नहीं है. और इसका जो टू एक्यूट एंगल है वो कितना है, 0.5 डिग्री, माने आधा डिग्री. तो क्या है कि एक्चुअली ए बाइप्रिज्म इज ए सिंगल प्रिज्म विथ एन ऑब्ट्यूस एंगल 179 डिग्री एंड द रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल्स ऑफ 0.5 डिग्री. जैसा कि हम कह रहे थे कि एक्चुअली ए बाइप्रिज्म इज ए सिंगल प्रिज्म विथ एन ऑब्ट्यूस एंगल 179 डिग्री. ये वाला यहां जगह नहीं है लिखने का इसीलिए इसको बाहर दिखाया है. ये दिस एंगल बीएसी इज 179 डिग्री एंड द रिमेनिंग टू एक्यूट एंगल्स ऑफ 0.5 डिग्री दिस वन एंड दिस वन. या एक्चुअल वैल्यू इसका क्या है, हाफ डिग्री. इज इट इज मेड बाय अ थिन ग्लास प्लेट हुज वन ऑफ इट्स फेसेस इज ग्राउंडेड एंड पॉलिश्ड टिल बाइप्रिज्म इज फॉर्म्ड. जनरली एक प्लेन ग्लास प्लेट की तरह होता है, बहुत ही स्पेशल ग्लास यह होता है और उसको हम लोग एक फेस को ग्राउंडिंग और पॉलिशिंग करते हैं. किस तरह से, इस तरह से 179 डिग्री और 0.5 डिग्री एक्यूट एंगल्स वाला. अगर बाइप्रिज्म यहां पर रहता, लेबोरेटरी में बाइप्रिज्म अवेलेबल है तो देखने में लगेगा कि यह तो एक प्लेन ग्लास प्लेट है लेकिन प्लेन ग्लास प्लेट नहीं है. वह एक्चुअली दो प्रिज्म है जॉइंट बेस टू बेस. इस तरह का होता है बाइप्रिज्म और इसको बनाना बहुत आसान नहीं है. यह बहुत प्रोसेस से ग्राउंडिंग और पॉलिशिंग करके किया जाता है. कहने के लिए तो लगता है बहुत ही आसान है
लेकिन यह ऑलरेडी यह एक एपरेटस टाइप का है, एक छोटा सा प्लेन ग्लास प्लेट होता है जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल वगैरह में इसका यूज करते हैं। अब बाइप्रिज्म के द्वारा कैसे हमारा फ्रिंज प्राप्त होगा उसके बारे में ये रे डायग्राम है, दिस इज कॉल्ड रे डायग्राम। इस डायग्राम में एबीसी क्या है, बाइप्रिज्म है, यही एबीसी बाइप्रिज्म है, ये वाला। एस जो है ना वह एक रियल सोर्स ऑफ लाइट है, और ये डीजी जो देख रहे हैं यह स्क्रीन है। इस स्क्रीन में कहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न बढ़ेगा वो हम अभी बता रहे हैं, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न को एक टेलीस्कोप से द्वारा दिखाया गया, ऐसा मॉडल के रूप में है, और दिस वन इज आई, इसी के द्वारा हम ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंज दिखेगा और जो हमको रीडिंग लेना है हम लोग लेंगे। अब इंटरफेरेंस फ्रिंज बनता कैसे है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। देखो इसको दो पार्ट में मानो, ए बी और ये मिडिल पॉइंट, और दूसरा ए सी मिडिल पॉइंट। ऊपर वाला प्रिज्म पर पहले हम पहले नीचे वाले प्रिज्म पर आ रहे हैं, नीचे वाला ए सी दिस वन। एस जो है रियल सोर्स ऑफ लाइट है। अब क्या करते हैं कि एस से लाइट वेव इसके एक्सट्रीम पॉइंट सी पर पड़ा, बाई रिफ्रैक्शन चूंकि यहां पर डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट आ रहा है तो बाई रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रे कौन होगा, सी एफ। और दूसरा ले लिया एस से हम डायरेक्ट रे, डायरेक्ट एस से बेस के पास, तो ये वाला क्या होगा, यह रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट वे में निकल जाएगा, और कहां पर यह आएगा, इस स्क्रीन के पॉइंट ओ पर। सॉरी एस से हम लिया एक ये वाला, यहां पर नीचे वाला प्रिज्म ले रहे हैं तो बाई रिफ्रैक्शन यह किधर जाएगा, रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टेड रेस का क्या हो जाएगा, यहां से लेके जी तक। तो एक हमें मिला एस से जो लाइट हमने सी पर लिया रिफ्रैक्टेड होकर सी एफ, और दूसरा जो मिडिल में लिया रिफ्रैक्टेड होकर यह चलाया जी के पास। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाया, देख रहे हो पीछे की ओर बढ़ाया, यहां मिट किया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, यहां मिट किया। तो दिस एस वन जो है ना, दिस कैन बी ट्रीटेड एज वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एस ड्यू टू रिफ्रैक्शन फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बाइप्रिज्म के चलते हमको एस वन वर्चुअल सोर्स मिला। अब अपर पार्ट में आ जाओ, एस से लाइट वेव चला बी पर आया रिफ्रैक्ट होकर बी ई, दूसरा हमने लिया यहां पर बेस के पास या रिफ्रैक्ट होकर चला जाएगा अलोंग डी। अब इसको पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे, सॉरी ये हो गया। अब हम अपर पार्ट में आ रहे हैं तो ये आया और दूसरा लिए यहां तो ये चला गया इधर। अब इसको पीछे की ओर बढ़ाया, एस से सी के पीछे की ओर बढ़ाया, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाया, दोनों कहां मीट किया, एस टू पर। तो एस टू भी एक वर्चुअल सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय एस हो गया ड्यू टू अपर पोर्शन ऑफ द बाइप्रिज्म। ये सारी चीजें यहां लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ेंगे। तो एस वन एंड एस टू बिहेव एज टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय रियल सोर्स एस। कोहेरेंट का मतलब क्या, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, वेवलेंथ सेम होगा, एंड बोथ आर इन द सेम फेज, सो ऑल द कंडीशंस आर इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड हियर। अब जरा एस वन लाइट कोहेरेंट सोर्स को लेके देखो, इसके चलते जो लाइट वेव हो कितना है, जिस तरह से हम फैल रहे हैं इस तरह से होगा, एस वन के चलते इतना पोर्शन में हमको लाइट वेव मिल रहा है और एस टू के चलते हमको इतना पोर्शन में लाइट वेव मिल रहा है। तो जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन जिसको किए हैं, यहां एस वन और एस टू दोनों के चलते लाइट वेव सुपर इंपोज हो रहा है,
के ऊपर सिर्फ S2 के चलते लाइट वेव होगा और F के नीचे सिर्फ S1 के चलते लाइट वेव होगा। दो लाइट वेव नहीं होंगे, दो लाइट वेव ये शेडेड रीजन में होगा, इसलिए इस स्क्रीन के EF पोर्शन में हमको अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा और उसको हम लोग इस तरह से इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हुआ इसके द्वारा और उसका स्टडी हम लोग टेलीस्कोप से करते हैं। फ्रिंज को हम लोग टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव आईपीस के सामने आंख लगाकर ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट देखते हैं और जो रीडिंग लेना है लेते हैं, क्या रीडिंग लेते हैं वो बताया जाएगा। इस तरह से फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है बाय प्रिज्म के द्वारा। जो भी बात हमने कहा वो सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट डाउन करना है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, द फिगर कंसिस्ट ऑफ एस ए रियल सोर्स ऑफ लाइट बताया गया, एबीसी मेरा बाय प्रिज्म है, एस वन एस टू टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस्ड बाय रियल सोर्स एस बाय प्रिज्म, डीजी इज ए स्क्रीन, इन द पोर्शन ईएफ ऑफ द स्क्रीन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्टेंड एंड कैन बी सीन बाय अ टेलीस्कोप हैविंग अ माइक्रोमीटर स्क्रू, द लाइट फ्रॉम सोर्स एस इज अलाउड टू फॉल सिमेट्रिकली ऑन द बाय प्रिज्म एबीसी विथ BC as its refracting angle, S1 behaves as, जिसको कि हम यहाँ चित्र में इसके द्वारा दिखा रहे थे, S1 behaves as virtual image of S when light falls on the lower portion of the biprism by refraction, ये by refraction प्राप्त हुआ, by refraction, and S2 behaves as virtual image of S when light falls on the upper portion portion of the biprism. Thus, S1 and S2 behaves as two virtual coherent source of light and produce interference fringes in the shaded region EF of the screen. यही सब चीज हम हिंदी में बोल रहे थे. Fringes can also be observed beyond E. E के ऊपर भी fringe हमको दिखेगा और F के नीचे भी beyond EF, E and F, लेकिन यह by diffraction ऑफ लाइट के द्वारा होगा। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अलग फेनोमेनन ऑफ लाइट है एंड आर ऑफ अनइक्वल विड्थ। डिफ्रेक्शन में फ्रिंजेस जो होते हैं अनइक्वल विड्थ के होते हैं, इसीलिए हम फ्रिंज को ई और एफ के बीच में ही अल्टरनेट डार्क ब्राइट पाएंगे और उसी को देख के स्टडी करके उसका रीडिंग लेके लैम्डा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके बारे में अब हम कहने जा रहे हैं। फिगर से एक बार हम थोड़ा फॉर्मेशन ऑफ इमेज को एक बार क्लियर कर लेते हैं। जरा फिगर को ध्यान से देखना, एस रियल सोर्स ऑफ लाइट है, बाइप्रिज्म में दो पोर्शन है, एक अपर पोर्शन और एक लोअर पोर्शन। पहले हम लोअर पोर्शन में एस से लाइट वेव को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो एक रे हम लिया इसके बेस के पास, तो बेस के पास जो लेंगे ना वह क्या होगा कि बाय रिफ्रैक्शन उसका रिफ्रैक्टेड रे ये वाला हो जाएगा, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे, और इस रिफ्रैक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाया तो यहां पर मीट किया। अब दूसरा लिया एस से लोअर पोर्शन के यहां पर, इज इट राइट? तो यहां लेने से एक तो एक हो गया बेस के पास, तो इसका रिफ्रैक्शन होकर इधर आ गया, और दूसरा हम ले रहे हैं यहां पर, तो रिफ्रैक्ट होकर यह इधर जाएगा। इसको दोनों को मिलाएंगे तो S1 पर मीट किया, तो S1 जो हमारा वर्चुअल इमेज हो रहा है वह लोअर पोर्शन से हो रहा है, इसको दिमाग में रखना है ठीक से, और S2 कैसे हो रहा है अपर पोर्शन, तो अपर पोर्शन में हमने एक रिफ्रैक्टेड रे लिया यहां पर बेस के पास, तो ये रिफ्रैक्ट होकर G के पास आया, इसको पीछे की ओर बढ़ा दिया, और दूसरा लिया यहां पर ऊपर में, तो रिफ्रैक्ट होकर ये इसको और इसको मिलाया तो S1 पर मिला, तो सॉरी एस से अपर पोर्शन में यहां लिए और एक्स से इसके बेस पर लिए, तो रिफ्रैक्ट होकर यह इधर जाएगा, इधर
और इसको यहां पर मिला दिए, तो दोनों यहां मिट किया, तो एस टू जो वर्चुअल इमेज हो रहा है वो अपर पोर्शन के चलते और एस वन वर्चुअल इमेज हो रहा है लोअर पोर्शन के चलते, इस तरह से एस वन एस टू कोहेरेंट हो गया। इसको फिर से हम बता दिए। अब इसका थ्योरी पर हम आते हैं। थ्योरी में क्या है, इसका बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस एंड फ्रिंज फॉर्मेशन इज सेम एज डिस्क्राइब फॉर द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यहां जो पॉइंट ओ है, सिंस पॉइंट ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एस वन एंड एस टू, hence path difference, जब equal path है तो path difference between the interference beam at O is zero, और zero path difference central bright fringe का condition होता है, therefore at O the central bright fringe is obtained which is bordered by alternate dark and bright fringes, मतलब O के ऊपर में भी dark bright मिलेगा, O के नीचे में भी dark bright मिलेगा। We know that, इसको हम लोग Young's double slit experiment में proof किए थे, इसीलिए यहां लिखा गया है वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज इज कॉन्स्टेंट एंड इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। ये सब पिछले क्लास का बात है, डिनोटेड बाय बीटा एंड ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट बीटा इक्वल टू दिस मच लैम्डा डी बाय डी, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू बीटा डी स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, लेट इट बी इक्वेशन वन। वेल व्हाट इज बीटा, बीटा इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज और टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। व्हाट इज स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट एस वन एंड एस टू। व्हाट इज कैपिटल डी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन, दैट इज द पोजिशन एट विच द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व एंड सीन। अब इसका एक ऑप्टिकल बेंच होता है, इसको डायरेक्ट लिख देना, ऑप्टिकल बेंच में बाइप्रिज्म लगाने का स्थान होता है और माइक्रोमीटर स्क्रू भी रहता है और बीच के पोर्शन में स्केल बना रहता है, इसीलिए इसमें हम लोग इतनी ही बात लिखेंगे कि बाय प्रॉपर अरेंजमेंट ऑन एन ऑप्टिकल बेंच ऑल दी थ्री क्वांटिटीज, यहां थ्री क्वांटिटीज है बीटा स्मॉल डी एंड कैपिटल डी, कैन बी मेजर्ड यूजिंग द बाइप्रिज्म एंड अप्लाइंग इन इक्वेशन वन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट कैन बी डिटरमिंड एक्सपेरिमेंटली। तो ये कहलाएगा, ये बाइप्रिज्म का रिप्रेजेंट करता है और ये रे डायग्राम ऑफ बाइप्रिज्म है, रियल सोर्स से दो वर्चुअल सोर्स प्राप्त किया, इंटरफेरेंस फ्रिंज प्राप्त किया, ऑप्टिकल बेंच में सेटिंग करके तीनों अननोन क्वांटिटी को निकालने के तरीके होते हैं, उस तरीके को वहां डिस्क्राइब करने का जरूरत नहीं है, वैल्यू मालूम है, पुट करेंगे इक्वेशन वन में तो लैम्डा का मान निकल जाएगा, यही इसका काम है। अब हम लॉयड्स मिरर को पढ़ेंगे। लॉयड्स मिरर इज आल्सो ए कन्वीनियंट मेथड टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। तो इसका लॉयड्स मिरर का रे डायग्राम ये वाला है, तो इट इज आल्सो ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। द अरेंजमेंट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होता है, एम एम डैश जो देख रहे हो डार्क एंड है, यहां एम एम डैश जो है वह एक प्लेन मिरर है, इसका साइज होता है अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 6 to 8 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, इट इज पॉलिश्ड ऑन फ्रंट साइड एंड ब्लैकेंड एट द बैक टू अवॉइड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। पीछे से ब्लैकेंड रहेगा, आगे से पॉलिश रहेगा। एस वन जो है यहां पर वह मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो S1 से दो लाइट रिफ्लेक्टेड बीम है, एक M के पास रिफ्लेक्ट होकर गया E पर, दूसरा M डैश के पास और रिफ्लेक्ट हो गया E F की ओर। तो हम कह सकते हैं कि द रिफ्लेक्टेड बीम appears टू डाइवर्ज फ्रॉम S2, तो इसको पीछे बढ़ाया और इस रिफ्लेक्टेड M डैश F को भी पीछे बढ़ाया, तो S2 पर मिला ना, तो इसीलिए द रिफ्लेक्टेड बीम appears to diverge from S2, which is the, यह किस तरह एक्ट करेगा, which is the virtual image of S1. So S1 and S2 serves as coherent source of light. S1 and S2 serves as coherent sources.
सेम एम्पलीट्यूड, सेम वेवलेंथ एंड सेम फेज. द रेज ऑफ लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस वन, द रेज ऑफ लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस वन विद इन द रीजन ए एस वन बी. देखो द रेज ऑफ लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एस वन विद इन द रीजन ए एस वन बी एंड दोज कमिंग फ्रॉम वर्चुअल सोर्स एस टू विद इन द रीजन ई एस टू एफ सुपर इम्पोज विथ ईच अदर. एक किस रीजन में ए एस वन बी, एस वन के चलते और एस टू के चलते ई एस टू एफ सुपर इम्पोज, दिस टू सुपर इम्पोज विथ ईच अदर. Thus, they produce interference fringes of equal width in the overlapping region EF. ये जो shaded region किया गया है, overlapping region, यहीं पर दोनों coherent wave है, यहाँ पर भी दोनों नहीं है, यहाँ पर S1 के चलते हैं और इस portion में S2 के चलते हैं. दोनों का superposition कहाँ हो रहा है? इस shaded region में हुआ. इसीलिए हमने कहा, thus they produce interference fringes of equal width in the overlap region EF on the screen. The fringe can be seen and studied with the help of an eyepiece and a micrometer scale. के द्वारा E के ऊपर भी फ्रिंज नहीं रहेगा, F के नीचे भी नहीं रहेगा. इसको हम लोग देख सकते हैं प्रैक्टिकली. अब इसका नोट कैसे होगा, इसको हम रीडिंग कैसे लेंगे? इसीलिए इसको हमने लिखा है नेचर ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. एक्चुअली सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वह ब्राइट होता है, सेंट्रल फ्रिंज जो होता है वह ब्राइट होता है, राइट. लेकिन यहां का जो सेंट्रल फ्रिंज एलॉयड्स मिरर में वह डार्क होता है. सेंट्रल ब्राइट नहीं मिलेगा, सेंट्रल फ्रिंज विल बी डार्क. क्यों? उसका कारण इसमें दिया हुआ है, कहां पर? नेचर ऑफ द जीरो ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज. सिंस ओ इज इक्वाडिस्टेंट फ्रॉम एस वन एंड एस टू, ओ देखो एस वन और एस टू से इक्वाडिस्टेंट है, देयरफॉर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज शुड लाई एट पॉइंट ओ. लेकिन क्या है, ओ जो है ओवरलैपिंग रीजन में नहीं है, बट द सी बी एफ, हमने बताया था पहले भी, सी बी एफ मीन्स सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, बट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज नॉट सीन बिकॉज पॉइंट ओ लाइज आउटसाइड द रीजन ऑफ इंटरफेरेंस ई एफ, इसलिए नहीं दिखता है. इसीलिए हेंस टू सी द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ इंड एम डैश ऑफ द मिरर एट द पोजिशन पी क्यू. स्क्रीन को हम ले आते हैं पी क्यू के पास at the position PQ, so that the fringe is dark instead of being bright. क्यों भाई, क्यों डार्क हो जाएगा? उसका कारण यह है, फिजिकल रीजन उसका है, बिकॉज वी नो दैट ए फेज चेंज ऑफ पाई अकर्स वेन लाइट सफर्स ए रिफ्लेक्शन फ्रॉम डेंसर मीडियम. तो मिरर तो डेंसर मीडियम है, सफर्स ए रिफ्लेक्शन और फेस चेंज पाई का मतलब हुआ फ्रॉम ए मिरर, और ए इसका मतलब होता है और ए पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू अकर्स ओनली इन द रिफ्लेक्टेड बीम. और फेस डिफरेंस पाई या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू किसका कंडीशन है? यह है डार्क फ्रिंज का कंडीशन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम एस टू एंड नॉट इन द डायरेक्ट बीम कमिंग फ्रॉम एस वन. देयरफॉर destructive interference occurs between the two beam causes a dark fringe at the center. तो इसका जो center पर जो fringe होगा वह dark होगा. हर जगह central bright fringe क्या होता है? Bright होता है, लेकिन यहाँ पर dark होगा, जिसका reason ये यहाँ पर लिखा हुआ है. अब एक alternative method है कि हम AB को बिना खिसकाए हुए भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, और वह अल्टरनेटिव मेथड इस तरह से है. वह अल्टरनेटिव मेथड इस तरह से है कि इंस्टीड ऑफ शिफ्टिंग द स्क्रीन टू द पोजीशन पी क्यू, द सेंट्रल फ्रिंज कैन आल्सो बी ऑब्जर्व
by introducing a thin film of transparent material like mica माने अबरक in the path of the direct rays. Direct rays कहाँ से आ रहा है? From S1. The thin film will displace the mica का जो thin film लगाए हैं. The thin film will displace the entire fringe pattern upwards, thus making it visible. ऐसा करने से क्या होगा कि हमको स्क्रीन को PQ पोजीशन में खिसकाना नहीं पड़ेगा. अब हम लोग जानते हैं, we know that while studying Young's double slit experiment, the fringe width beta is found to be beta equal to lambda d by d, or very simple, lambda equal to beta small d by capital D. Let it be equation 1. The value of beta small d and capital D can be determined as done in case of Fresnel's biprism. Optical bench एक होता है, उसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, वो अलग है, that is the experimental arrangement. Therefore, the value of lambda can be determined experimentally using equation 1. इस प्रकार Fresnel's prism, biprism और Lloyd's mirror दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ निकालने के लिए उपयोग किया जाता है. और इसमें जो फॉर्मूला लगता है, थ्योरी लगता है, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का लगता है. दिस इज ऑल अबाउट ऑफ आवर टुडेज क्लास. नेक्स्ट वी मीट इन अनदर क्लास. थैंक यू वेरी मच.